जो खाकी वर्दी लोग धारण करके ये शपथ लेते हैं कि कानून व्यवस्था हम चुस्त दुरुस्त रखेंगे और रिश्वत नहीं लेंगे। जिस खाकी वर्दी को लोग धारण करके कानून की रक्षा करते हैं, सबके मान सम्मान व अधिकारों की, इज्जत आबरू की रक्षा वो पुलिस करती है। जिस खाकी वर्दी पर तमाम कानून व्यवस्था का बोझ होता है चुस्त दुरुस्त बनाने रखने के लिए, उसी पुलिस को कहीं न कहीं जब एंटी करप्शन की टीम धर दबोचती है, उस दौरान हड़कंप मच जाता है। यह मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद का है दोस्तों। चौकी प्रभारी राहुल जी वो कुछ समझ ही पाते, तमाम भीड़ भाड़ इकट्ठा हो गई, दरोगा जी चिल्लाने लगे, पीटने लगे कि बचाओ बचाओ बचाओ। तो वहां एक हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई। जो खाकी वर्दी दूसरों के गिरफ्तार करती है, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है, उनको जेल भेजती है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है। एंटी करप्शन की टीम अचानक छापा मारकर दरोगा जी को गिरफ्तार करती है। कुछ ही देर में दरोगा जी राहुल को समझ पाते कि क्या है। दरोगा जी भागने की कोशिश किए हैं, छुड़ाने की कोशिश किए हैं, हमारा अपहरण हो रहा है, बचाओ बचाओ। काफी गहमा गहमी की स्थिति हुई। तमाम आसपास के लोग काफी कंफ्यूज हो गए कि मामला क्या है। जो दरोगा खाकी वर्दी धारण की है, जिसके कंधों पे स्टार लगा हुआ है, उसको अगर कोई सिविल ड्रेस के अधिकारी पकड़ के ले जा रहे हैं, काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि दरोगा जी को कौन पकड़ के ले जा रहा है, क्या अपहरण हो रहा है। तभी जनता भी देखने लगती है, मूक दर्शक, जहां एक जेसीबी चलने लगती है वहां पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो दरोगा जी को एंटी करप्शन की टीम पकड़ के ले जा रही थी, उस दौरान तमाम वहां के आसपास के जो लोग थे देखने लगते हैं, वीडियो बनाने लगते हैं। दरोगा जी काफी चिल्लाते हैं कि मुझे छोड़ो मुझे बचाओ। तभी एंटी करप्शन के लोग बताते हैं कि दरोगा जी को क्यों पकड़ के ले जा रहे हैं। एक मामला था होटल में के मालिक से 10,000 रुपये रिश्वत लेने का, जिन्होंने एंटी करप्शन की टीम को अवगत कराया कि हाँ हमसे दरोगा जी पैसा मांग रहे हैं। यह मामला उत्तर प्रदेश का है, जहां योगी आदित्यनाथ जी लखनऊ में बैठते हैं। चंद ही किलोमीटर के बाद चौकी प्रभारी राहुल जी के ऊपर जो जिम्मेदारी थी, जिसका उनको निर्वहन करना था, जिनके कंधों पे स्टाल लगे हैं, आम जनता की जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं अगर वर्दी का दुरुपयोग वो करेंगे तो एंटी करप्शन जैसी टीमें ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है। दोस्तों एंटी करप्शन की टीम ऐसी टीम है, अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी आपसे घूस मांगता है, अगर आपको फंसाने की कोशिश करता है, आपसे रंगदारी मांगता है, आपसे वसूली करता है, उस दौरान अगर आप से अवैध रूप से वो अर्जित कर रहा है पैसा, आपके ऊपर दबाव बना रहा है, इस दौरान एंटी करप्शन की टीम पे ऑफिस अब जाके अपना पत्र लिख के उनको अवगत करा सकते हैं कि फलां अधिकारी हमसे पैसा मांग रहा है। तो एंटी करप्शन की टीम जब उसको लगता है कि ऐसा सही बात है, ऐसी घटनाएं हो सकती है, उस दौरान टीम काफी सतर्क रहती है, सिविल ड्रेस में होती है। उस दौरान जो भी अधिकारी होता है उसको धर दबोचने के लिए कम से कम 8-9 की संख्या में लोग भी मौजूद रहते हैं। तो यह मामला उत्तर प्रदेश का है, जहां पे दरोगा जी को लोग गिरफ्तार करते हैं, एंटी करप्शन के लोग वहां पे काफी हड़कंप मच जाते हैं। यह मामला हरौनी पुलिस चौकी का है, पुलिस चौकी प्रभारी भी हैं राहुल जी, जिनको गिरफ्तार पुलिस करती है, उनको अब जेल भी भेज दिया जाता है। तो दोस्तों कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ रातों दिन मेहनत कर रहे हैं कि जो कानून व्यवस्था है उसे अच्छे ढंग से चलाया जाए और पुलिस के वो जो जिम्मेदारी दी गई है उसका सच्चे ढंग से वो निर्वहन करें। लेकिन कुछ ऐसे पुलिस वाले होते हैं जो कहीं ना कहीं माननीय योगी आदित्यनाथ के फरमानों की धज्जियां उड़ाने लगते हैं। सभी पुलिस वाले ऐसे नहीं होते, कुछ ऐसे पुलिस वाले होते हैं जो काफी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, एक भी पैसा कोई एक चाय तक नहीं पीते। ऐसे ऐसे पुलिस वाले भी हमसे मिलते हैं, काफी कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन कुछ पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो वर्दी धारण करके वर्दी के रोब में कहीं न कहीं धनुकाई का काम करते हैं। ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ अगर कार्रवाई एंटी करप्शन की टीम करती है, तो अगर कोई भी अधिकारी व कर्मचारी आपसे घूस मांगता है, तो उस दौरान एंटी करप्शन की टीम
के पास आप जाके अपना प्रार्थना पत्र दे के अवगत करा सकते हैं कि कोई भी अधिकारी, लेखपाल हो, सिक्योरिटी हो, कानून गो हो, SDM हो, तहसीलदार हो, जो भी अधिकारी, अगर कोई भी आपसे घूस मांगता है, उस दौरान आप एंटी करप्शन की टीम पे जाके उनके ऑफिस में आप अपनी तहरीर दे सकते हैं। तो आज यह मामला था उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ का, जहाँ काफ़ी चौंकाने वाला मामला सामने आया। चंद ही किलोमीटर की दूरी पे माननीय योगी आदित्यनाथ बैठते हैं, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बैठती हैं, उसी राजधानी में कहीं न कहीं एक दरोगा कहीं न कहीं सरकारी फरमानों का पलीता लगा रहा है, योगी आदित्यनाथ के फरमानों की धज्जियां उड़ा रहा है। तो कहीं न कहीं आम जनता भी अब जान गई है कि ऐसे रिश्वतखोर कर्मचारी हों या दरोगा हों या लेखपाल हों, जो भी कर्मचारी हों जो धन उगाही का काम कर रहे हैं, लोगों का शोषण कर रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की जरूरत है।